हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन, दिस इज कुलदीप सिंह गड़िया गाइस। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बार फिर से हाउसकीपिंग के एक नए ट्रेनिंग वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउसकीपिंग में जो चैम्बर में ट्रॉली होती है, जो क्लीनिंग ट्रॉली होती है, जब कभी भी हमको कोई गेस्ट के रूम को सर्विस देना है या हम क्लीन करते हैं, तो हमें अपनी ट्रॉली को किस तरीके से रेडी रखना चाहिए, कौन कौन से सप्लाई उसमें होना चाहिए। मेक श्योर गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब कभी भी आप कभी रूम क्लीनिंग करने जाए, तो आपका अपना प्रिपरेशन, अपना ट्रॉली बिल्कुल फुल सेटअप पूरा होना चाहिए, जिससे आपका काम रुके ना। इवन मैं आपको भी बताऊंगा अपने ट्रॉली के बारे में, तो मेक श्योर जब भी आप कभी किसी गेस्ट के रूम को क्लीनिंग करने जाते हैं, तो आपकी तैयारी पूरी होनी जरूरी है। आपका ट्रॉली में मिनिमम सामान जो है आपको होना जरूरी है। अगर आपके पास सामान ट्रॉली में सेट अच्छे से प्रॉपर नहीं होगा, तो आपको काम करते हुए दिक्कत आएगी। तो कभी भी जब हम लोग हाउसकीपिंग में, क्या होता है, हमारे पास किसी भी फ्लोर पे हम जब क्लीनिंग करते हैं, हमारे पास एक पेंट्री होती है। पेंट्री में हमारे पास लिमिटेड सामान ऑलरेडी अवेलेबल होता है। तो हम जब गेस्ट रूम क्लीनिंग करने जाते हैं, तो हमको ट्रॉली की जरूरत पड़ती है। तो उस ट्रॉली में मिनिमम आप उतना ही सामान रखें जितना सामान आपको जरूरत है। मिनिमम आप उसमें 5 से 10 रूम का सेटअप रखें। अगर आपको ज्यादा इसमें ओवरलोड करेंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है ट्रॉली गेस्ट रूम पे चलाते हुए। किसी गेस्ट को चोट लग सकती है, उससे आपको भी तकलीफ हो सकती है ट्रॉली चलाते हुए। तो आप मैक्सिमम सामान उसमें रखें, ट्रॉली वेल एंड प्रॉपर सेटअप रखें, जिससे आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बताऊंगा, ये है हमारी हाउसकीपिंग ट्रॉली, इसको चैम्बर में ट्रॉली बोलते हैं। एंड पहले तो आपको क्लीनिंग के बारे में बता दूं, ये मेरा क्लीनिंग का वॉशरूम, जब मैं क्लीन करूंगा तो उसका मैंने सेटअप रेडी रखा है। तो ये कारपेट ब्रश मैंने रखा हुआ है भाई। अभी आप कभी रूम में ड्राई मोप यूज करें, तो ड्राई मोप पे कोई हेयर वगैरह, कोई बाल वगैरह, तो आप इससे क्लीन कर सकते हैं। ये R2 है, R2 मैंने इसमें रेडी रखा है। R2 फॉर आप इसके टीवी कैबिनेट वगैरह क्लीन कर सकते हैं, मोपिंग वगैरह आप इससे कर सकते हैं। तो कलर कोड से भी आपको आइडिया आ जाएगा। ये R3 है फॉर ग्लास क्लीनर। R5 आपका एयर फ्रेशनर, आफ्टर जब आप रूम क्लीन करते हैं उसके बाद रूम फ्रेशनर आप कर सकते हैं। और ये R1 है सैनिटाइजर, आपका वॉशरूम टैप्स वगैरह। और उसके साथ साथ ये आपका डब्ल्यू सी बाउल है। R6 आपका टॉयलेट बोल क्लीनर मैंने इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और आपका सिक्वेजी इसमें है। आपको टावल डस्टर की ज़रूरत है, टावल डस्टर फॉर फ्लोर में आपको पोछा लगाना है, ठीक। फिर मैंने ये कलर कोडिंग के डस्टर रखे हुए हैं, आपको वैनिटरी काउंटर पे ग्लास के लिए अलग रखा है। और आपके जो WC सीट वगैरह है, यूरिनल्स वगैरह है, तो उसके लिए मैंने ये डस्टर रखा है। तो डस्टर आपके बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये सेटअप इसका मैं ये रेडी है। वैक्यूम क्लीनर आप भी रेडी रखें। अगर आपको किसी रूम में वैक्यूम चलाना हो, तो आप ड्राई वैक्यूम क्लीनर रेडी रखें। जो अटैचमेंट आपको चाहिए वो आप अपने पेंट्री में रख सकते हैं। ये आपका वेट मोप और ये आपका ड्राई मोप। तो अभी आप गेस्ट का रूम क्लीन करेंगे और ट्रॉली सेटअप करेंगे। जब भी आप फ्लोर में रूम क्लीन करने जाते हैं, तो आपके पास सबसे पहले फ्लोर असाइनमेंट होता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि कौन सा रूम ऑक्यूपाइड है, कौन सा रूम का क्या स्टेटस है। सो अब हम ट्रॉली सेटअप करने से पहले आपको ट्रॉली को पहले एक बार क्लीन करना पड़ेगा। आप जितने प्रॉपर क्लीन कर लिया है ट्रॉली, प्रॉपर क्लीन आपको करना है ट्रॉली। अगर आप प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे, तो आपके बेडशीट वगैरह हैं वो डर्टी हो जाएंगे। तो इसलिए आपको ट्रॉली हमेशा प्रॉपर क्लीन करना है, नीट एंड क्लीन रखना है। सो ट्रॉली नीट एंड क्लीन, मैंने ट्रॉली क्लीन कर दिया है। न्यूज़पेपर मैंने यहाँ पर बिछा के रखा हुआ है, जो कि मेरी बेडशीटें गंदी ना हो। सो अभी मैं इसको सेटअप करूंगा। उससे पहले जो मेरा क्लीनिंग का कड़ी है, क्लीनिंग केमिकल्स, वो मैं रख दूंगा गार्बेज बैग वाले साइड में रख दूंगा। और ट्रॉली में ये गार्बेज साइड दो बैग होते हैं, एक उस तरफ, एक लेफ्ट एंड राइट में। सो ये गार्बेज, अगर आप रूम से कोई भी गार्बेज क्लियर करते हैं, तो आप इसमें रखेंगे। इसमें आप गार्बेज बैग मैंने लगा के रखा है, जो कि ये मेरा नीचे का अटैचमेंट खराब ना हो। सो इट साइड, ये जो साइड है, इस साइड आप जो भी रूम से स्वर्ड लिनन निकालते हैं, तो आप इसमें डंप करते हैं। सो एक साइड आपका स्वर्ड लिनन, एक साइड आपका गार्बेज, जो भी आपसे रूम में निकलेगा। सो आपके क्लीनिंग जो कैडी है, वो गार्बेज साइड जो है, उसके नीचे आप वहाँ रख सकते हैं। अब इसको मैं सेट करूँगा। किस तरीके से सेट करते हैं, कौन सा आइटम कहाँ रखते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा।
सो ये मेरी पेंट्री है, हर फ्लोर पे एक पेंट्री होती है, तो हर होटल में एक पेंट्री अवेलेबल होती है, तो पेंट्री मेरा वेल सेटअप है, या पेंट्री है, ये पूरा सेटअप मैंने किया है, जो जो सप्लाई मुझे रूम में यूज़ करना होता है, एमिनिटीज, गेस्ट एमिनिटीज, वो सब यहाँ अवेलेबल है। और आप कभी भी अपनी पेंट्री में उतना ही सामान रखें जितना आप आपको जितने की ज़रूरत है, नहीं तो वो आइटम ख़राब हो सकता है, डेट एक्सपायर हो सकता है, इसलिए फालतू ज़्यादा सामान रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने ट्रॉली को किस तरीके से सेटअप करते हैं। जो सबसे नीचे का स्लैब है, तो उसमें आप जो भी आपके हैवी आइटम हैवी लीलन्स आपके डबल दुबेट कवर, सिंगल दुबेट कवर, वो आप सबसे नीचे रखेंगे। बाथ मैट भी थोड़ा हैवी होता है, तो आप बाथ मैट को भी नीचे रख सकते हैं। रखेंगे बेडशीट, डबल बेडशीट आप रख सकते हैं, सिंगल बेडशीट आप रख सकते हैं। ऊपर वाला स्लॉट है, उसमें आप पिलो केस रख सकते हैं, हैंड टॉवल, तो गेस्ट एमिनिटीज और टी सप्लाई है, डेंटल किट, सेविंग किट, कॉम, जो भी वॉशरूम एमिनिटीज है, रूम एमिनिटीज, वो आप ऊपर सेट कर देंगे, सबको सेपरेट सेपरेट सेट करेंगे। एक टॉयलेट रोल्स वगैरह हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ये मेरे कॉफी टीसीएम सप्लाई मैंने रखा है, इधर बॉडी लोशन, शैम्पू वगैरह मैंने सेट किया है, सोप वगैरह मैंने रखा है, सावर कैप वगैरह ये हैं, इनको आप प्रॉपर से इस तरीके से सेट करेंगे, प्रॉपर सेट, एक एक आइटम आप प्रॉपर सेट इस तरीके से आपके ट्रॉली सेट होने चाहिए प्रॉपर, जो कि आपको भी पता हो कि कौन सा आइटम कहाँ है। टॉयलेट रोल आपका ऑल आउट, आपके कॉम्प्लीमेंट्री टाइप, एक डस्टर आप सेपरेट अपने पास रखेंगे, जो गेस्ट रूम में आप ग्लास वगैरह आपको वाइप करना हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। हो गई है ट्रॉली सेट, हो गई है, तो अब आप रूम क्लीन करने के लिए जब भी आप कभी फ्लोर में जाते हैं तो आपको ट्रॉली चलाने भी आनी चाहिए। तो आप ट्रॉली किस तरीके से, जिस तरफ से गार्बेज है आपको ट्रॉली उस तरीके से नहीं चलाना है, आपको इसमें हैंडल बना हुआ है तो आपको इसका बैलेंस बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल हैंडल पकड़ के आप इजिली वे मूव हो सकते हैं, इजिली वे आप अच्छे से मूव हो सकते हैं इस तरीके से। तो जब कभी भी आप रूम क्लीन करेंगे आप ट्रॉली बिल्कुल कॉर्नर में साइड में रखेंगे इस तरीके से, जो कि कोई भी गेस्ट का मूवमेंट हो, गेस्ट कोई फ्लोर में जा रहा हो तो उसको कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके से आपको सेटअप करना है। तो मेक श्योर गाइज कि जब भी आप रूम क्लीनिंग करने जाएं आप लिमिटेड सामान अपनी ट्रॉली में सेट करके ले जाएं, गेस्ट सप्लाई आप ज़्यादा नहीं लेके जाने की ज़रूरत है, जितने आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही सप्लाई आपको रखनी, ज़्यादा सप्लाई रखने में आपकी ट्रॉली ज़्यादा भारी हो जाएगी, ज़्यादा भारी हो जाएगी तो आप बैलेंस से उसको नहीं कर पाएंगे। सो इस वीडियो में आई होप कि आपको तो आइडिया आ गया होगा किस तरीके से हम क्लीनिंग चैम्बर में ट्रॉली को सेट करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।